हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलआर पार्सर एंड एफएलआर पार्सर। कैसे इसमें एरर हैंडल होती है, कैसे हम ये फाइंड करते हैं या चेक करते हैं कि जो गिवन ग्रामर है वो एलआर जो पार्सर है उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एफएलआर पार्सर उसे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एस इम्प्लाइज कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए इम्प्लाई स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले लेते हैं कोई भी एक इनिशियल प्रोडक्शन ले लेते हैं। इनिशियल प्रोडक्शन मतलब एस तो हमारे स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल इम्प्लाइज है कैपिटल ए कैपिटल ए, बट ये स्टार्ट सिंबल भी किसी और सिंबल से जनरेट होता होगा। तो हम एक इमेजिनरी प्रोडक्शन ले लेते हैं एस डैश इम्प्लाइज एस। इट मीन्स ये जो एस है ये किससे जनरेट हो रहा है, किससे इवेल्युएटेड है, ये एस डैश से इवेल्युएटेड है। अब हमें हमें सबसे पहले इसका फाइनाइट ऑटोमेटा प्रिपेयर करना है, फिर उस फाइनाइट ऑटोमेटा से हम पार्स टेबल बनाएंगे, पार्सिंग टेबल बनाएंगे, और फिर उस पार्सिंग टेबल को ऑब्जर्व करके हम ये फाइंड करेंगे कि जो गिवन ग्रामर है, ये जो ग्रामर हमको गिवन है, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैं यहाँ पे स्कैनिंग, हम लोगों को स्कैनिंग यूज में लेनी है फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर्म करने के लिए। और स्कैनिंग को मैं किससे, क्या अगर मैंने डॉट कहीं पे लगाया हुआ है तो उसका मतलब है कि स्कैनिंग वहां तक हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले स्कैनिंग ले रही हूँ एस डैश इम्प्लाइज डॉट एस, मतलब मैंने स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और मैं अब जो नेक्स्ट सिंबल है जो स्कैन होगा वो क्या है, हमारा स्टार्ट सिंबल है। ठीक है, अब एस को मुझे स्कैन करना है, तो एस की स्कैनिंग के लिए जो एस का प्रोडक्शन है उससे पहले मुझे डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि डॉट रिप्रेजेंट स्कैनिंग। अब ए से पहले डॉट आ चुका है, अब ए से पहले डॉट है तो मतलब मुझे अब आगे किसको स्कैन करना है, कैपिटल ए को स्कैन करना है। तो कैपिटल ए को अगर हम स्कैन करेंगे, कैपिटल ए को अगर हम स्कैन करेंगे तो कैपिटल ए का प्रोडक्शन हमें यूज में लेना पड़ेगा डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए बी। ठीक है, अब देखो मैंने ए का प्रोडक्शन मुझे यूज में लेना है डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए और ए इम्प्लाइज डॉट बी बी, क्योंकि ए के दो प्रोडक्शन है यहाँ पे, ए इम्प्लाइज स्मॉल ए कैपिटल ए, ए इम्प्लाइज डॉट बी स्मॉल बी। ठीक है, अब देखो ये हमारी एक क्या हो गई, स्टेट हो गई है एक, ठीक है, जिसमें ये सारे प्रोडक्शन हमारे पास है। अब इससे हम कौन कौन सी स्टेट पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, देखो अब स्कैनिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे टू तो वेरिएबल है और टू टर्मिनल्स है, तो एस डैश इम्प्लाइज डॉट एस। अगर मैंने एस को स्कैन किया, एस अगर मैं इनपुट ले रही हूँ तो आगे स्कैनिंग होगी तो एस डैश इम्प्लाइज एस के बाद डॉट आ जाएगा, मतलब एक एस को हम स्कैन कर चुके हैं और हम आगे मूव हो रहे हैं, तो ये एक नई स्टेट हमें मिल गई। ठीक है, ये हम दे देते हैं आई जीरो, ये है आपकी आई वन। ठीक है, अब मुझे स्कैन करना है किसको, कैपिटल ए को, कैपिटल ए इसको, तो एस इम्प्लाइज ए को स्कैन मैं कर चुकी हूँ, तो ए डॉट कैपिटल ए, मतलब ए इज ऑलरेडी स्कैन, अब मुझे डॉट आगे कर दिया, अब इस वाले ए को स्कैन करना है। अब इस वाले ए को स्कैन करना है तो इसके प्रोडक्शन भी तो लिखने पड़ेंगे, तो ए का प्रोडक्शन हमने लिख दिया स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, और उससे पहले हमने लगा दिया इनके डॉट। ये हमारी एक नई स्टेट मिल गई है आई वन आई टू। ठीक है, अब आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे यदि किसी वेरिएबल से पहले डॉट आता है तो हमें उसके प्रोडक्शन भी यूज में लेने होते हैं, लेकिन यदि टर्मिनल से पहले डॉट है तो टर्मिनल के कोई प्रोडक्शन ही नहीं होते तो हम उनको यूज में भी नहीं लेते। अब देखो डॉट और किससे आ रहा है, स्मॉल ए के पहले आ रहा है, तो मैं स्मॉल ए को स्कैन करूंगी तो कैपिटल ए इम्प्लाइज ए डॉट कैपिटल ए। ठीक है, ए यहाँ पर है, केवल इस वाले प्रोडक्शन में है, ए इम्प्लाई स्मॉल ए कैपिटल ए। अब देखो कैपिटल ए एक वेरिएबल है और वेरिएबल से पहले डॉट आ गया है, मतलब स्कैन करना है, तो ए इम्प्लाइज क्या हो गया आपके स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। ठीक है,
क्या और किसी वेरिएबल से पहले डॉट है? नहीं है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, ये हो गई आपकी I3। अब देखिए स्मॉल बी से पहले डॉट है, तो स्मॉल बी को स्कैन करेंगे, बी ये बन गया हमारा, ये मिल गया हमें I4। ठीक है, अब देखो इधर ये तो कंप्लीट हो गई, अब हमें वहां पे जाके स्टॉप हो जाना है जब हमारा जो डॉट है वो एंड में पहुंच जाता है, तो I1 ये एक स्टेट हो गई। अब आगे करो, आगे कैसे करेंगे, अब इस वाले में देखो डॉट अभी लास्ट में नहीं पहुंचा है, तो इसको स्कैन करेंगे, तो किससे पहले है, कैपिटल ए से पहले है, तो कैप इसको स्कैन करूंगी मैं, ए ए ए डॉट, डॉट आगे पहुंच गया, एंड में पहुंच गया। अब ये वाला जो पार्ट था फाइनाइट ऑटोमेटा का ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये बन गई हमारी I5 स्टेट। क्या और वेरिएबल से पहले डॉट आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे। अब देखो अगर स्मॉल ए से पहले आ रहा है, अगर मैंने स्मॉल ए लिया, ठीक है स्मॉल ए ले के मुझे यही वाली मिलेगी स्टेट दोबारा से, और स्मॉल बी लेके अगर मैंने क्या लिया, स्मॉल बी लिया, तो मुझे ये वाली स्टेट मिलेगी। इस वाले प्रोडक्शन में अगर मैंने कैपिटल ए लिया तो कैपिटल ए से ये मिलेगा, ऑब्वियसली यही मिलेगा आपको, सॉरी स्मॉल ए से यही मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया तो आपको स्टेट मिलेगी ए इम्प्लाई स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट, और ये बन गई आपकी I6। स्मॉल ए लिया तो वापस यहीं आ जाएंगे, स्मॉल बी लेंगे तो इसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितनी स्टेट्स हो चुकी है, 6 स्टेट्स हो चुकी है। अब एक बात याद रखना, जिन वाली स्टेट्स में ना लास्ट में डॉट है वो आपकी फाइनल स्टेट होती है, तो ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, मतलब हमारे पास कितनी फाइनल है। ये तो देखो हमारा इमेजिनरी था, ठीक है, और ये 3 हमारे इन प्रोसेस के स्टेट्स है, तो 3 फाइनल स्टेट्स हमारे पास है, और ये वाली स्ट्रिंग शो करती है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि एस पहले स्कैन हो चुका है, एस मतलब पूरी स्ट्रिंग हमारी स्कैन हो चुकी है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, डॉट मिल रहा है। ठीक है, तो ये मिल गया, अब हमें इससे क्या बनानी है, पार्सिंग टेबल बनानी है। ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस डायग्राम के थ्रू ही पार्सिंग टेबल बनाएंगे और फाइंड करेंगे क्या उसमें एरर हैंडलिंग की कैपेसिटी है। ठीक है, अब देखिए पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, मैं बना रही हूँ LR0 पार्सिंग टेबल, LR0 पार्सिंग टेबल। देखिए इसमें टेबल में कितनी जितनी स्टेट्स हमारे काम में आई है, हमारी आई है 6, 0 to 6, तो उनको यहाँ लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यूज में ले ली। इसके बाद देखिए हमारे पास टर्मिनल्स कौन कौन से आए, स्मॉल ए आया है यूज में, स्मॉल बी, और एक यूज में आया है डॉलर। ठीक है, और जो वेरिएबल्स है उनको हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में, कैपिटल एस और कौन सा वेरिएबल है, कैपिटल ए। अब देखो इन जो हमारी स्टेट थी I0 स्मॉल ए लेके कहाँ पहुंच रही है, स्टेट 3 पे पहुंच रही है, मतलब शिफ्ट हो रही है, तो इसको लिखते हैं हम S3। I0 बी लेके कहाँ पहुंच रही है, I0 बी लेके पहुंच रही है 4 पे, तो इसको लिखेंगे हम S4। ऐसी जो I1 स्टेट थी मैंने बताया वो क्या है, हमारी पूरी स्ट्रिंग S, जो I1 थी वो थी एस डैश इम्प्लाइज एस डॉट, मतलब सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है, बाद में डॉट है, मतलब स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ये वाली स्टेट आपकी क्या है, एक्सेप्टेड स्टेट है, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो स्टेट I2 के लिए, I2 कहाँ पर है, I2 है यहाँ पर, I2 ले लिया मैंने, I2 I2 A लेके, स्मॉल A लेके कहाँ पे जा रहा है, I3 पे, तो S3, स्मॉल B लेके कहाँ पे जा रहा है, S4 पे, और कैपिटल A लेके कौन सी स्टेट पे गया है, वो 5 पे, तो इसको लिखने का तरीका है 5। हमें यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, शिफ्ट वाला हम यूज में तब लेते हैं जब हम इंटरमीडिएट केस में हो, लेकिन जो I5 स्टेट है उसमें देखो ए ए डैश मतलब स्कैनिंग लास्ट पे पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। ठीक है, अब 3 तो देखो I3 स्मॉल ए लेके, I3 स्मॉल ए लेके खुद पे ही आ रही है, तो इसको लिखेंगे S3,
और इसमें S4, ठीक है। अब देखो I4, देखो I4, I5 और I6 आपकी कैसी स्टेट है, फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट के लिए हम यूज में लेते हैं रिड्यूस R, S4 शेप्ड, R4 रिड्यूस, ठीक है। तो R4, देखो ये जो फोर्थ नंबर की है I4, क्या है हमारे पास, A इम्प्लाइज B और लास्ट में डॉट है, मतलब ये पूरी स्कैन हो चुकी है, अब इसके लास्ट में डॉट है। तो ये कौन से नंबर का प्रोडक्शन है, ये आपका नंबर का प्रोडक्शन है। देखो हमको तीन प्रोडक्शन गिवन थे, S इम्प्लाइज कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल ए इम्प्लाइज स्मॉल ए कैपिटल ए बी, एस इम्प्लाइज कैपिटल ए कैपिटल ए 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। तो 3 नंबर का है तो मैं यहाँ पे यूज में लूंगी R3 फॉर ऑल टर्मिनल्स। ऐसे ही आप I5 देखिए, I5 है आपके कौन से नंबर का प्रोडक्शन, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 R1 R1। और जो I6 है ये कौन से नंबर का प्रोडक्शन है, आपके सेकेंड नंबर का प्रोडक्शन है, तो आ जाएगा R2 R2 R2, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ऐसे देखो जो I3 है, I3 में कैपिटल ए लेके वो I6 पे जा रहा है, मतलब फाइनल स्टेट पे जा रहा है, तो यहाँ पे 6 पे लिखेंगे। अब ये जो टेबल है आपकी क्या है, कंप्लीट LR0 पार्सिंग टेबल है। अगर किसी ब्लॉक में या किसी सेल में क्या आ जाते हैं आपके, एक से ज्यादा एंट्रीज आ जाती है, तब तो ये LR पार्सल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें देखो किसी भी सेल में एक से ज्यादा एंट्री नहीं है, केवल सिंगल सिंगल एंट्रीज है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब ये पार्सिंग टेबल आपकी कंप्लीट है। और मैं एग्जांपल अगर हम देखें इसके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, इसको ट्राई करना। S डैश नहीं है, वो तो इमेजिनरी प्रोडक्शन आपको यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। S इम्प्लाइज स्मॉल डी कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल बी, और है आगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल सी, कैपिटल बी इम्प्लाइज स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना। ये तो बात हुई एल आर पार्सर की, अगर हम SLR की बात करें, SLR, ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल LR, LR की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन पार्सिंग की टेबल में आता है। अगर सपोज ये प्रोडक्शन है हमारे पास, तो ये वाला जो फाइनल था जहाँ पे हम R1 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 यूज में ले रहे थे, तो हम सभी टर्मिनल्स में इन्हें पुट कर रहे थे। सभी टर्मिनल्स में पुट करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है उसके फॉलो में पुट करेंगे, ठीक है। फॉलो ऑफ ए मतलब फॉलो ऑफ एस में हम पुट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगी, जो एरर आती है कभी कभी, वो एरर नहीं आएंगी। और वो एरर कौन कौन सी होती है, सपोज एक सेल में आपको टू एंट्रीज है, एक में है शिफ्ट एक में है रिड्यूस, एक सेल की एंट्रीज, दूसरे सेल में है रिड्यूस और दूसरी एंट्रीज है भी है रिड्यूस की, मतलब एक एरर तो होती है आपकी SR एरर, SR प्रॉब्लम, और एक होती है RR प्रॉब्लम। SR मतलब शिफ्ट रिड्यूस प्रॉब्लम, RR मतलब रिड्यूस रिड्यूस प्रॉब्लम, ठीक है। ये है आपका पूरा कंप्लीट LR पार्सल। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एक तो पढ़ेंगे कनोनिकल LR और LALR, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कनोनिकल LR में, ठीक है। तो जो बेसिक है वो तो LR का ही है, ठीक है।